तो दोस्तों अगर आप भी बनाना चाहते हैं 26 जनवरी के ऊपर इस तरीके की एक खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट के अंदर, तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में एंड तक और हम दोस्तों सीखेंगे 26 जनवरी यानी कि हैप्पी रिपब्लिक डे के ऊपर पावर पॉइंट के अंदर एक खूबसूरत सी एनिमेशन बनाना। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि दोस्तों अब हमारे पास 26 जनवरी आने वाली है और दोस्तों हम 26 जनवरी के ऊपर पावर पॉइंट के अंदर दोस्तों कोई भी एक प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों उसको हम किस तरीके से बनाएंगे वो हम लोग दोस्तों यहाँ पर सीखते हैं। तो सबसे पहले हमने दोस्तों अपने पावर पॉइंट को यहाँ पर ओपन कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर आ रहा है क्लिक टू एड टाइटल, इसको हमें दोस्तों हटाना है। तो हम दोस्तों यहाँ से जाएंगे लेआउट पर और यहाँ से दोस्तों हम इसको कर लेंगे ब्लैंक। तो हमारे सामने दोस्तों ब्लैंक आ गया। अब दोस्तों देश के ऊपर की बात है तो दोस्तों झंडे की बात ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हम दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। हमने दोस्तों एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। अब दोस्तों रेक्टेंगल में कलर कैसा लेना है आपको, दोस्तों फॉर्मेट में जाना है और यहाँ से क्लिक करके आप दोस्तों सबसे पहला कलर हमारा ऑरेंज कलर डालेंगे। और दोस्तों जो इसमें ब्लू कलर की लाइन आ रही है हमारे बॉक्स के चारों ओर, इसको हम दोस्तों शेप पर जाकर नो आउटलाइन कर देंगे। अब दोस्तों कंट्रोल दबाएंगे कीबोर्ड से और इसको हम नीचे तरफ ड्रॉ कर लेंगे और नीचे वाले में क्लिक करके दोस्तों हम यहाँ से डाल देंगे अपना ग्रीन कलर। तो हमारे पास दोस्तों ग्रीन कलर आ गया है। बॉक्सेस को हम दोस्तों सेट कर लेंगे ताकि तीनों बॉक्सेस हमें एक बराबर से दिखें। तो कुछ हमने इस तरीके से दोस्तों अपना एक डायग्राम यानी अपना एक इंडियन फ्लैग यहाँ पे बना लिया है। अब दोस्तों इंडियन फ्लैग है तो दोस्तों बीच में हमें अशोक चक्र भी चाहिए। तो इसके लिए हम दोस्तों इंसर्ट में चलते हैं, शेप पे जाते हैं, यहाँ से हम दोस्तों एक सर्किल ले लेते हैं। दोस्तों कोई भी एक सर्किल ले लीजिएगा जो आपको अच्छा लगे, आप फॉर्मेट पर जाइए। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है इसके साइज की, तो हम दोस्तों यहाँ साइज देंगे इसका 2.5 और नीचे वाले पर क्लिक करके दोस्तों यहाँ से भी हम इसको 2.5 देंगे ताकि जो हमारा सर्किल है वो दोस्तों एकदम गोल हो जाए। तो हमने यहाँ पे गोल में एकदम सर्किल यहाँ पे बना लिया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से जाएंगे शेप फिल पर और इसके अंदर जो कलर है उसको हटा देंगे और फिर से दोस्तों फॉर्मेट पे जाकर शेप फिल आउट पे जाएंगे। यहाँ से दोस्तों इसकी विड्थ आ रही है और नीचे जाएंगे मोर विड्थ पे। यहाँ पे दोस्तों इसकी विड्थ की मोटाई कितनी रखनी है, हमने कहा 15 की रखनी है और क्लोज कर देंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से हम एक यहाँ पे मोटा सा सर्किल ले लेंगे, जितना आपको अच्छा लगे अपनी स्किन के अकॉर्डिंग वो आप ले सकते हैं। शेप आउटलाइन पे फिर से जाएंगे और यहाँ से हम देंगे इसको ब्लैक कलर। अब दोस्तों हमें क्या चाहिए, इंसर्ट। अब इसके अंदर की दोस्तों हमें तिलियाँ चाहिए तो हम इंसर्ट में गए, शेप पे गए और यहाँ से हमारे पास दोस्तों यहाँ पे शेप आती हैं। यहाँ पे हम लेंगे 24 पॉइंट स्टार, हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे दोस्तों स्टार को ड्रॉ कर लेंगे। अब दोस्तों इसके भी साइज़ को सेट करेंगे तो हम फॉर्मेट पर गए। हमने दोस्तों सर्किल का जो साइज़ लिया था वो लिया था 2.5। अब दोस्तों जो हमने 24 पिन स्टार लिया है इस पर हम क्लिक करेंगे, इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा रखेंगे तो 2.3 एंड नीचे वाले पे भी 2.3 रखेंगे और एंटर। अब दोस्तों आपको यहाँ पे येलो पॉइंट दिख रहा है, इस येलो पॉइंट को पकड़ेंगे नीचे की तरफ ड्रॉ कर देंगे तो दोस्तों इसमें तिलियाँ यहाँ पे बन जाएंगी और इसको उठा के आप दोस्तों यहाँ इसके अंदर रखेंगे। अब दोस्तों ये बिल्कुल बीचा बीच में है या नहीं है, अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आप बाहर से सिलेक्ट करेंगे पूरे सर्किल को, फॉर्मेट पर जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको फॉर्मेट में एक ऑप्शन मिलता है अलाइन का, इस पर क्लिक करके आप सेंटर करेंगे और इसी पर क्लिक करके आप दोस्तों इसको मिडल कर देंगे, यानी बिल्कुल सर्किल जो हमारा स्टार है वो बिल्कुल बीचा बीच में सेट हो जाएगा। अब दोस्तों आप देखेंगे ब्लैक लाइन के ऊपर हमारा सर्किल आ रहा है, तो हम दोस्तों अपने स्टार वाले पॉइंट पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे और इसको सेंड टू बैक करके इसको पीछे कर देंगे ताकि हमारी तिलियाँ ऊपर ना दिखें। अब दोस्तों ये हमारे पास आ गया। अब दोस्तों फिर से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पर ही जाएंगे और यहाँ से हम दोस्तों इसको कर देंगे ग्रुप ताकि पूरा हमारा एक हो जाए। अब दोस्तों हमें यहाँ कुछ मैटर लिखना है तो हम इंसर्ट में गए, वर्ड आर्ट को चुनेंगे और दोस्तों यहाँ पर हम कोई भी वर्ड आर्ट ले लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है ये हमारा 74वां रिपब्लिक डे है तो हमने 74 यहाँ पे लिख दिया। इसको दोस्तों आपको जहाँ भी सेट करना है वहाँ आप अपने पेज पे सेट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों फिर से जाता हूँ और फिर से मैं दोस्तों वर्ड आर्ट को चुनता हूँ और यहाँ पे दोस्तों वर्ड आर्ट की कोई और स्टाइल ले लेता हूँ। मैं सपोज देन ये ब्राउन वाली ले लेता हूँ, इसको उठा के मैंने नीचे रखा और यहाँ पर हम दोस्तों अपना मैटर टाइप कर देंगे। हमने यहाँ पे दोस्तों लिख दिया हैप्पी रिपब्लिक डे। अब इसको दोस्तों हम यहाँ बीचा बीच में सेट करेंगे। अब दोस्तों ये हमारा एक पूरा पेज बन गया जिसको कि हमें दोस्तों अब एनिमेटेड करना है। सबसे पहली चीज़ हमारे पास दोस्तों ये एक सर्किल है, हमें सर्किल को घुमाना है तो हम चलेंगे फॉर्मेट पर। फॉर्मेट पर जाने के बाद दोस्तों आपको जाना है एनिमेशन पर और यहाँ से आप क्लिक करके दोस्तों इसको कर देंगे आप स्पिन। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे सामने स्पिन होता रहेगा। अब दोस्तों जब स्पिन किया है तो इसकी स्पीड वगैरह को हमें मैनेज करना होता है, तो यहाँ पर आएगा एनिमेशन पेन, इसके पॉइंट पर क्लिक करेंगे और इसको स्टार्ट विद प्रीव्यू करेंगे और फिर से हम इसी पर जाएंगे और यहाँ पर लेंगे टाइमिंग सेक्शन, यहाँ पर टाइमिंग पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों इसकी स्पीड चल रही है यानी कि जो ड्यूरेशन आ रही है इसको वेरी लो कर देंगे और जो रिपीट सेक्शन है इस पर क्लिक करके यूनिट एंड ऑफ स्लाइड एंड ओके। अब देखिए दोस्तों काफ़ी स्लो घूम रहा है, काफ़ी आपको अच्छा भी लगेगा। इसके बाद आ रहा है हमारे पास 74th, इसको हम क्लिक करेंगे, फिर जाएंगे एड एनिमेशन पर या दोस्तों यहाँ से भी एनिमेशन ले सकते हैं। मैं इसको दोस्तों यहाँ पर
जो लिख रहा है क्या लिख रहा है, टिटर लिख रहा है, इस पर हम दोस्तों क्लिक कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से हल्की सी मूव करेगा। इसके पॉइंट पे जाएंगे, स्टार्ट विद प्रीव्यू करेंगे इसको भी हम, और दोस्तों यहाँ से फिर से इसके टाइमिंग सेक्शन पे जाके इसको भी यहाँ पे वेरी लो कर देंगे, और रिपीट सेक्शन पे जाके यूनिट एंड ऑफ स्लाइड करेंगे एंड ओके। तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके से मूव करेगा। इसका साइज़ थोड़ा छोटा है तो हम होम पे जाते हैं, इसके साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं, और इसको दोस्तों हम यहाँ पेज के अंदर ही सेट कर देंगे कहीं पर भी। इसके बाद दोस्तों हमारे पास रिपब्लिक डे आ रहा है, हैप्पी रिपब्लिक डे, इस पर हम क्लिक करेंगे। फॉर्मेट पे ही गए और हम दोस्तों सॉरी दोस्तों हम एनिमेशन पे गए, यहाँ से हम दोस्तों फिर से इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से लेंगे इसको स्पिन एंड ग्रो, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारी मूव्स करेगा ये। अब देखिए पेज के बाहर जा रहा है एनिमेशन, तो थोड़ा सा इसको नीचे कर लेंगे हम, क्योंकि ऊपर वाले 74 जो उससे चिपक रहा है, और इसका होम पे जाके इसके फॉन्ट के साइज़ को थोड़ा छोटा कर देंगे। इसको भी हम दोस्तों स्टार्ट पे क्लिक करके स्टार्ट विद प्रीव्यू करेंगे और टाइमिंग सेक्शन पे जाएंगे और यूनिट एंड ऑफ स्लाइड कर देंगे एंड ओके। अब हम दोस्तों कीबोर्ड से F5 करते हैं और देखते हैं कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे मूव्स करता हुआ हमारे सामने आ जाएगा। अब दोस्तों इंडियन फ्लैग तो हमारे सामने दिख रहा है, लेकिन इंडियन फ्लैग हमारा लहरता हुआ नहीं दिख रहा। अब इसको लहराना है हमें, तो लहराने के लिए दोस्तों बहुत ही सिंपल स्टेप है, आपको इनसेट पे जाना है, शेप पे जाना है, और यहाँ पे दोस्तों आपको एक फ्लैग की स्टाइल दिखेगी जिसको हम बोलते हैं डबल वेव। इसको हम दोस्तों यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, कुछ पतली सी, ज़्यादा मोटी नहीं रखनी आपको, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। फॉर्मेट पे जाएंगे, यहाँ से इसकी आउटलाइन को करेंगे नन, और दोस्तों इसके अंदर जो कलर है उसको कर देंगे वाइट, और दोस्तों इसको उठा के हम दोनों लाइनों के बीच में रखेंगे कुछ इस तरीके से, यानी कि हमारी जो ऑरेंज है और वाइट है उसके बीच में। अब दोस्तों पेज को आप नीचे प्लस पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा इसको जूम कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों हमारे सामने ये डिज़ाइन आ रही है, इसको कंट्रोल दबाएंगे कीबोर्ड से, इसकी कॉपी उठाएंगे और जस्ट इसके सामने रखेंगे, बीच में कोई स्पेस ना रहे। इसी तरीके से हम दोस्तों कॉपी उठाते जाएंगे और इसको एंड तक ले जाएंगे। दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान देंगे आपके बीच में कहीं पर भी जगह थोड़ी बहुत ना छूटे, क्योंकि दोस्तों वो स्पेस अच्छा नहीं लगेगा जब हम इसका प्रीव्यू करेंगे। तो इसकी जूम को अब हम दोस्तों यहाँ से कम कर लेते हैं, तो आप देखेंगे दोस्तों कुछ इस तरीके की लहर हमारे पास आ गई। इस पूरी लहर को हम दोस्तों सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ से क्लिक करके इसको ग्रुप करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाएंगे और इसको दोस्तों हम फिर से इसकी कॉपी करके यहाँ लास्ट में लगा देंगे, ताकि ये जो हमारी वेव है वो दोस्तों थोड़ी लंबी हो जाए काफ़ी। हम दोस्तों फिर से इसको छोटा कर लेते हैं और इस पूरी की पूरी वेव को दोस्तों हम सिलेक्ट कर लेंगे, फॉर्मेट में फिर से जाएंगे और यहाँ से क्लिक करके ग्रुप करेंगे। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसको हमने ग्रुप तो कर लिया, अब ये क्या है हमारे गोल सर्किल के थोड़ा ऊपर आ रही है, तो इसको हम फॉर्मेट में जाकर सेंड टू बैक कर देंगे एक बार, ताकि सर्किल के ऊपर ना दिखे। अब दोस्तों हमें इसे चलाना है, तो हम एनिमेशन पे जाएंगे, ऐड एनिमेशन, यहाँ लिखेगा मोर मोशन पाथ, इस पे हम क्लिक करेंगे और इसको दोस्तों हम लेफ्ट पे क्लिक करके ओके कर देंगे। इसको प्ले करके देखेंगे, अभी दोस्तों हमने इस पे स्टार्ट विद प्रीव्यू नहीं किया, तो हमने इस पे क्लिक किया, स्टार्ट विद प्रीव्यू, टाइमिंग सेक्शन पे गए, यहाँ से इसकी स्पीड को वेरी लो वगैरह जो आप करना चाहें, और यूनिट एंड ऑफ स्लाइड एंड ओके। देखिए कुछ इस तरीके से लहरेगी। अब दोस्तों हमारे पास इसकी जो लाइन है वो छोटा एरिया है, इसको थोड़ा शिफ्ट दबा के लंबी खींच देंगे। अब इसको एक बार प्ले करके देखेंगे दोस्तों, ताकि लहर पूरी ख़त्म तो नहीं हो रही कहीं एक बार, तो देखिए लहर आ गई हमारी। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा बॉक्स थोड़ा सा खिसक गया है, इसको हम दोस्तों सेट कर देते हैं थोड़ा सा। अब दोस्तों जो हमने लहर ऊपर बनाई है इसकी कंट्रोल दबा के नीचे कॉपी कर लेंगे और इसको हम दोस्तों यहाँ पर रख देंगे कुछ इस तरीके से। अब हम अपने कीबोर्ड से दोस्तों F5 दबाते हैं और देखते हैं किस तरीके का प्रीव्यू हमारे सामने आएगा। तो आप देख रहे हैं दोस्तों हमारा झंडा भी लहर रहा है, व्हील्स भी चल रहा है, 74th आपको दिख रहा है, और हैप्पी रिपब्लिक डे का भी आपको लोगो दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा किस तरीके से हम पावर पॉइंट के अंदर एक खूबसूरत सी एनिमेशन बना सकते हैं अपने 26 जनवरी के ऊपर।